आज मैं आपसे एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। धान की फसल में बौनेपन की समस्या जो बहुत से क्षेत्र में देखी गई है और किसान इससे परेशान हैं। किसानों के साथ साथ वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं। अलग अलग क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक, अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिक जो हैं, ये शोध पर लगे हुए हैं। आखिर ये किस समस्या के कारण, कौन सी कमी के कारण ऐसी समस्या देखी गई है, तो इसको लेकर के अभी एक मत नहीं हुआ है। तो अलग अलग कृषि वैज्ञानिक अलग अलग मत रख रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार, कृषि निदेशक, पूसा संस्थान नई दिल्ली के, आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, तो चलिए वो सलाह सुनते हैं और उसके बाद लास्ट में आपसे मिलते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं, और विषय यह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से किसानों की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि उनके खेत में कुछ बौने पौधे दिख रहे हैं। अब इन बौनों पौधों की संख्या अलग अलग किस्मों में कम अधिक है, चाहे वो बासमती किस्में हों या गैर बासमती किस्में हों, दोनों में इसकी शिकायत पाई जा रही है। PR 126, PR 121, PR 114, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, 1401, इन सभी किस्मों में तकरीबन यह समस्या देखने को मिल रही है। अब आम तौर पे इन पौधों का लक्षण देखिए तो ये पौधे छोटे हैं आकार में, उनकी वृद्धि नहीं हुई है, और उन्हीं के साथ लगाए हुए उसी किस्म के दूसरे पौधे अगर देखें तो उनकी लंबाई काफ़ी बढ़ गई है। इनके अंदर फुटाव भी कम हुआ है। पौधों का रंग हरे गहरे रंग का है, और पौधों को अगर उखाड़ेंगे तो ये पौधे बड़ी आसानी से ज़मीन से उखड़ जाते हैं, और जड़ों का विकास भी इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, और जड़ों में कालापन आ गया है जिससे पौधों का ज़मीन से खुराक लेना एक तरह से बंद हो गया और पौधों की वृद्धि बंद हो गई है। अब इस लक्षण को देखते हुए आमतौर पे जो बात सामने आती है कि ये शायद एक विषाणु जनित या जीवाणु जनित बीमारी है। विषाणुओं की यानी कि वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की बात करें तो उसमें ग्रासी स्टंट वायरस और एक सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीक वायरस, ये दो हैं जिनके लक्षण की इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं और इनके होने की संभावना है। दूसरी एक जीवाणु जनित बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसको हम फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, उसके द्वारा भी इसी तरह के लक्षण पैदा होते हैं। हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि कहीं इसमें निमेटोड या सूत्रकृमि तो नहीं लगा है जिसकी वजह से जड़ों का विकास बिल्कुल रुक गया है, या कई एक बार जो फ्यूजेरियम एक फफूद होता है जो कि धान में आमतौर पर बकाने रोग को पैदा करता है जिसमें पौधे लंबे होकर के सूख जाते हैं, उसी के अंदर यह भी गुण पाया जाता है कि बौनापन भी ला सकता है। तो सारे कारणों का हम विस्तार में अध्ययन कर रहे हैं। मैं खुद जो है 18-19 अगस्त को हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में गया, किसानों से चर्चा की, वहाँ से सैंपल लेकर के आए। इसके पहले हमारे संस्थान के पूसा संस्थान से वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर बर्नवाल, वो लोग भी गए थे सैंपल लेकर के आए, और कल शाम को भारत सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसमें हमारे संस्थान से दो वैज्ञानिक जो विषाणुओं के ऊपर और फाइटोप्लाज्मा पे काम करते हैं वो लोग उस टीम का हिस्सा बन करके गए हैं, और उन्होंने पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्रा, पहवा, इन सारे इलाकों में सैंपल कलेक्ट किया है, उसको लेकर के आ रहे हैं। का प्रकोप 5 से लेकर 15% तक है, लेकिन सारे खेतों में नहीं है, कुछ खेतों में है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल शिकायत नहीं है, जैसे सिरसा फतेहाबाद में मैंने कई किसानों से व्यक्तिगत रूप से बात किया, वहाँ पर शिकायत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई शिकायत अभी तक जो है नहीं आई है। अगर यह विषाणु जनित बीमारी है या जीवाणु जनित बीमारी है तो दोनों ही परिस्थितियों में एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना वह एक वेक्टर, यानी कि जो आपका ब्राउन प्लांट हापर, वाइट बैक प्लांट हापर, ग्रीन लीफ हापर होता है जिसको हम तेला चेपा के नाम से जानते हैं, ये अगर इसका प्रकोप होता है और ये रोग ग्रसित पौधों में बैठ करके उसका रस चूसता है तने से, और फिर जाकर के स्वस्थ पौधे में रस चूसना शुरू करता है, तो बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारी जाने की संभावना हो सकती है।
और जब ही उनको ब्राउन प्लांट हॉपर या तेला चेपा का प्रकोप दिखता है तो वो दवाओं का छिड़काव करें। इसमें दवाएं जो हैं कई सारी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पेक्सालोन दवा है, इसकी 94 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोल करके एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ ओसिन है, टोकेन है, जिसकी 100 ग्राम मात्रा 250 लीटर पानी में घोल करके और आप एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। चेस नाम की एक दवाई आती है जो कि करीब 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं और बीमारी को और ज़्यादा फैलने से इससे हम रोक सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग इसके कारणों को पता करने में लगे हुए हैं और जल्दी इसका समाधान बताएंगे। जैसा कि किसान दोस्तों आपने कुछ अंश सुने जो आपको बताया गया है, तो उन नियमों का, उन चीजों का पालन करिए और जब भी ऐसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो आप तक जानकारी जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।